संगठना से मास ऑर्गेनाइजेशन से आए इधर फासवादी हमले के खिलाफ में लड़ाई करना इसके जरूरत सबसे ज्यादा महिलाओं के ऊपर है। फासवादी हमले के खिलाफ में लड़ने का जरूरत क्यों ज्यादा है बोले तो ये देश में इतना साल का 72 साल का सो कॉल्ड इंडिपेंडेंस वो कॉन्स्टिट्यूशन मान रहे बोले ये कॉन्स्टिट्यूशन जेंडर इक्वालिटी के लिए बहुत बात करते हैं, महिला साधिकारिता के लिए बहुत बात करते हैं। ये देश में हजारों का साल का संस्कृति लेके संस्कृति के नाम से पूजा करते बोल रहे महिलाओं का हजारों का संस्कृति पूजा नहीं करें मगर क्या हो रहा है हर 7 मिनट का एक औरतों के ऊपर सेक्शुअल हरासमेंट हो रहा है, हर 17 मिनट में एक अत्याचार हो रहा, हर 25 मिनट में एक दौरी हरासमेंट हो रहा, हर 7 मिनट में एक दौरी डेथ हो रहा। ये है क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का गिनता, क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का है, हमारा नहीं है, POW का नहीं है। ये देश में हर एक साल बहुत स्टैटिस्टिक्स निकालता, स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, हर एक स्टैटिस्टिक्स में बढ़ते जा रहे औरतों के ऊपर हमला। ये देश के महिला चिल्ला रहे, नारा दे रहे, नहीं सहेंगे नारी शक्ति अत्याचार, नहीं सहेंगे नारी मन पर हमला कब्जा, नहीं सहेंगे नारी का जीवित में हिंसा। मगर लड़के नहीं कर रही, हमारे देश में रोज रोज की हिंदुत्ववादी हिंदुत्ववाद से हिंदुत्व नाम पे हमला हो रहा, हिंसा हो रहा, अत्याचार हो रहा, जहाँ लोग लड़ रहे जल जंगल जमीन के लिए वहाँ ग्रीन हंट चल रहा, जिस लोगों को ट्रेजर हंट होना, हमारा सरकार को ट्रेजर हंट करने के लिए ग्रीन हंट नाम पे हमला कर, अत्याचार इनका वेपन हो गया, दलित के ऊपर, माइनॉरिटी के ऊपर, आदिवासी के ऊपर अत्याचार। ये देश का रूलिंग पार्टी का, पुलिस का, राज का, पूंजीवादी का, हिंदुत्ववादी का वेपन हो गया। बाबरी मस्जिद डिमोलिशन करने के बाद राम जन्मभूमि का रथ यात्रा निकाल से बाबरी मस्जिद तोड़ने के बाद एक देश में ऐसा घटना और ज्यादा हो रहा। हर एक सेक्शन के ऊपर दलित, माइनॉरिटी, आदिवासी, सब में वुमन, सब में औरतें के ऊपर ऐसा एक हमला और ज्यादा बढ़ा।
हम लोग ये देश में हिंदुत्व धर्म, हिंदुत्व निनाद, हिंदुत्व सब, ये पूरा विवाद हो गया। एक मौका ले रहे लोग, इसके पहले इतना नहीं था। ये डेमोक्रेटिक, ये सो कॉल्ड डेमोक्रेसी में छोटा स्पेस लड़ लड़ के हम निकाले। हमारा सालों पर स्ट्रगल से, महिला संगठन का स्ट्रगल से, महिला आंदोलन से जो कानून लाया और जो स्पेस निकाले, वो स्पेस भी चले जा रहे, वो स्पेस भी अभी नहीं मिल रहा। ये देश का सड़क, ये देश का घर, ये देश का पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, ये देश का हर जगह में औरतों का स्पेस मिले, हमारा स्पेस चले जा रहे। ये सड़क, ये इतना सालों का इंडिपेंडेंस में, स्वतंत्र में, सड़क में चलने का हक नहीं है। 9 बजे के बाद क्यों खड़ा बोल रहे? निर्भया का घटना में मुकेश सिंह बाजार से सुप्रीम कोर्ट का गेट में खड़के, दो लायरों के इधर उधर बिठा के वो बोला, मैं खबर सीखना चाहते, हम लोग खबर सीखना चाहते, सबक सीखना चाहते। वो किया वो मुकेश सिंह का लायर शर्मा जी और दूसरा, वो बोल रहे हमारा बेटियां हैं तो भी फार्म हाउस को लेके जला देते। 8 बजे के बाद, 8 बजे के बाद बॉयफ्रेंड के साथ ऐसा चले तो, रोड पे खड़े तो, बस स्टॉप में खड़े तो हम जला देते, बोले बाजार में सुप्रीम कोर्ट का गेट में दिया वो इंटरव्यू। ये है सिचुएशन। औरतों का जिम्मेदारी करे, जो लोग विक्टिम्स है वो लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहे, जो लोग विक्टिम्स है वो लोगों का जिम्मेदारी कर रहे। छोटा का हर एक बार निकालते है एक ही बात, अच्छा चाहते बात निकले तो बस यही आता वो लोगों के मुंह से। जाइए देखो टीवी में, मीडिया में, किधर भी देखो, एक ही बात सुनता वो कपड़े का बात। अरे गांव में हो रहा, दलित के ऊपर हो रहा, माइनॉरिटी के ऊपर हो रहा, वो कपड़े का, ये कपड़े का पॉलिटिक्स वेक्स हो गया। हम लोग बंद करना है कपड़े का पॉलिटिक्स। क्यों विक्टिम्स को जिम्मेदार करते? प्रॉब्लम है हमारा माइंड में, हमारा भावधारा में है, हिंदुत्व विचारधारा में है प्रॉब्लम। उसी लिए हिंदुत्व विचार के खिलाफ में लड़ना वही है फांसवादी हमले के लड़ना है। और एक मैं दो ही बात आपके सामने शामिल करना चाहती। मेरा सुझाव में ये देश में वो सो कॉल्ड एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट, इसमें महिलाओं का पार्टिसिपेशन नहीं है। जिसका डेवलपमेंट किसका बोलना है? आम जनता का पार्टिसिपेशन है तो, औरतों का पार्टिसिपेशन है तो, ये पार्टिसिपेशन, ये एम्पावरमेंट पिछले 2 साल के पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट के देखे तो, एज पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट 2 साल के पहले इक्वालिटी, मेन एंड वुमेन इक्वालिटी आने के लिए 136 ईयर्स होता। अब ये साल का रिपोर्ट में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, अब ये साल पे निकाले वो लोग, अभी वो 136 ईयर्स से 200 साल को गए, 136 ईयर्स से 200 ईयर्स कैसा हो गया? ये है हमारा डेवलपमेंट। बीजेपी संघ परिवार आरएसएस का पालन में अभी वो लोग औरतों का पीछे डकला मार रहे, पीछे डकला मार रहे, पीछे चला रहे। ये है हालत, ये है ये देश का सिचुएशन। 136 ईयर्स होता बोल के बोला वो, उसी लिए हम लोग वो उसी टाइम हम लोग 136 इतना जाना और इतना दूर है, अभी दूर और दूर हो रहा। दूसरी है 6 साल से गार्डियन सर्वे में आ रहा, वर्ल्ड में पूरा दुनिया में औरतों के ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट हमला जो लोग कर रहे, जो देश कर रहे हैं वो हमेशा 1 to 6, 1 से 6 नंबर देश में
इंडिया रहता हमेशा हर एक सर्वे में इंडिया तीन इसके पहले पांच स्थान पे है, इसके पिछले ईयर तीसरी जगह में है, अब ये साल फर्स्ट प्लेस को आ गया। हमारे सामने नहीं तो हमारे बाद में पाकिस्तान रहता, अफगानिस्तान रहता, नहीं तो गल्फ कंट्रीज रहता। संध्या जी, टाइम ओवर प्लीज। सो दिस इज द सिचुएशन, ये है हमारा स्थिति। ये स्थिति में हम लोग औरत महिला लड़ना और दलित माइनॉरिटी के साथ चलना, दलित माइनॉरिटी आदिवासी के साथ चलना, हमारा का लड़ाई को किसान मजदूर के साथ जोड़ना और विमेन लिबरेशन के लिए लड़ना और रियल एमांसिपेशन ऑफ वुमन में वो करना, हम महिलाओं को विमुक्त करना, बोले तो विमुक्त आंदोलन में श्रामिक वर्ग महिलाओं को शामिल करना और आगे आगे बढ़ाना और आगे चलाना, यही है उसका इकोनॉमिक एक इंटरेस्ट होता है जिसके कारण से वो इस जनवादीकरण की प्रक्रिया को रोकने का प्रयास करता है, और जब वो इस जनवादीकरण को रोकने की का प्रयास करता है तो उसमें जो जो घटनाएं होती हैं उसमें एक घटना जो होती है वो ये कि वो मोनोपोली बनाने की, मतलब इकोनॉमिक मोनोपोली से लेकर कल्चरल मोनोपोली बनाने तक जो जाता है उसमें वो लैंगिक एकाधिकार भी बनाने का प्रयास करता है। यानी कि इस समाज में एक ही लिंग, एक ही जेंडर रहेगा और कोई जेंडर नहीं रहेगा, रहेगा भी तो वो उससे दब के रहेगा, एक जेंडर रहेगा वही सब पे राज करेगा। तो ये फासीवाद का एक मुख्य बात होती है और उसको हम आज देख रहे हैं। जनवादीकरण की प्रक्रिया में स्त्रियों के अलावा और भी बहुत सारे जेंडर आज अपने आप को असर्ट कर रहे हैं, लेकिन जब से ये फासीवादी दौर चला है तब से उन सारे जेंडर को हाशिए पे फेंका जा रहा है और दरकिनार किया जा रहा है, और उसका एक मतलब बहुत जल्दी से एक उदाहरण बता सकते हैं कि जो हिंदुत्ववादी फोर्सेस होती हैं उसको मानने वाली जो महिलाएं होती है, जो उसके अंदर की महिलाएं होती हैं उनको भी कैसे दरकिनार किया जाता है। तो सबरीमाला वाला उदाहरण तो आप सब लोग जानते होंगे, लेकिन अभी मैं क्योंकि इलाहाबाद में रहती हूँ, इलाहाबाद में कुंभ का मेला लगा हुआ है, वहाँ पर भी देखा कि वहाँ पर जो सन्यासियों के अखाड़े होते हैं जिनको बहुत सारे सहूलियतें दी जाती हैं, उसमें जो किन्नर अखाड़ा है और जो महिलाओं ने जो अपना जो भक्त बनने लगी हैं, जो सन्यासी बनने लगी हैं, उन अखाड़ों को जगह नहीं दी जाती है, उन अखाड़ों को अलग से बनाने का इजाजत नहीं है जो आध्यात्मिक लोग हैं, तो उनको सबको जूना अखाड़े के अंदर का वो पार्ट बना दी गई, लेकिन उनको मतलब अलग से अखाड़े बनाने की इजाजत नहीं दी गई। तो ये भी एक उसका उदाहरण है, और मैं तो अपील करती हूँ उन सारे लोगों से भी कि इस वजह से उनको फांसीवाद के खिलाफ लड़ना चाहिए कि उनके जेंडर को भी वो असर वहाँ पर भी नहीं करने दे रहे, सबरीमाला से लेके कुंभ मेला तक, ये उदाहरण है उसके। और दूसरा एक बात की फांसीवाद जो करता है वो जो पुराना कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हमने ये बात की कि वो समाज को पीछे की ओर ले जाता है, तो जो पुराना रक्त शुद्धता का कॉन्सेप्ट है जिसके कारण औरतों पे बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए कि वो यहाँ वो उनका सेक्सुअल रिलेशन किससे हो सकता है किससे नहीं हो सकता है, ताकि नस्लें सुरक्षित रहें, ताकि जातियाँ बनी रहें, ताकि जो वर्ण व्यवस्था है वो कायम रह सके, उसको बनाए रखने के लिए फांसीवाद ज़्यादा से ज़्यादा अटैक करता है वो महिलाओं पे। और उसका उमा चक्रवर्ती जी ने भी बताया कि लव जिहाद वाला जो मामला है उस रूप में हम आज सामने देख रहे हैं कि जितना महिलाएं आज ये प्रक्रिया बड़ी थी थोड़ा कि जातियों को तोड़कर और अपनी आज़ादी के साथ शादी करने का जो है जो ये प्रक्रिया जो थोड़ी तेज हुई थी, लेकिन फांसीवाद के आने के बाद ये प्रक्रिया बाधित हुई है। और तीसरा एक पॉइंट ये कि फांसीवाद से जुड़ा हुआ कि फांसीवाद जो काम करता है वो ये कि महिलाओं के खिलाफ या दलितों के खिलाफ जो भी अटैक होते हैं, जो भी उनके खिलाफ जो हिंसा होती है, फांसीवाद हमेशा उसके पक्ष में खड़ा होता है और छिप के नहीं खड़ा होता है, उसके पहले की सत्ताएं छिप के खड़ी होती हैं, वो पीछे से उनको सपोर्ट कर रही होती हैं, लेकिन फांसीवादी दौर में ये सत्ता उनके खिलाफ हमलावरों के खिलाफ खुल्ला खुल्ला खड़ी होती है। और इसके बहुत सारे एक नहीं बहुत सारे उदाहरण है, कठुआ वाला उदाहरण सबसे मुख्य है, सबरीमाला का उदाहरण है, अभी अखिला वाला उदाहरण है जिसने अपनी मर्जी से शादी कर दी तो उसके पीछे NIA तक को लगा दिया गया, NIA संस्था जो कि आतंकवादियों के सॉरी
आतंकवादियों तथाकथित आतंकवादियों के लिए को ढूंढने के काम में लाती है, तो उस रक्त शुद्धता को बनाए रखने के लिए एनआईए तक का इस्तेमाल किया। ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि फांसीवाद हमेशा हमलावरों के साथ खड़ा होता है। चौथी अंतिम एक बात मैं बोलना चाहती हूँ कि आजकल युद्ध का और राष्ट्रवाद का बहुत ज़्यादा उफान है और उन्माद है आज, और ये जो फांसीवाद का और राष्ट्रवाद का बहुत ही गहरी दोस्ती है, बहुत ही दोनों में अंतर संबंध है। और ये जो राष्ट्रवाद है, जो फांसीवाद के साथ आया हुआ राष्ट्रवाद है, ये पूरी तरह से महिला विरोधी होता है, क्योंकि इस राष्ट्रवाद में एक पौरुषीय बल की अपील की जाती है कि उसको मार के दिखा देंगे, उसको ये कर देंगे, उसको ये कर देंगे, और जो गालियां दी जा रही हैं उसमें भी हम देख रहे हैं। तो ये जो राष्ट्रवाद का उपाय फांसीवाद खड़ा करता है, ये हमेशा महिला विरोधी होता है। उसको लागू किया जाए तब भी, और अगर उसका उन्माद फैलाया जा रहा हो तो भी। तो इस रूप में ये जो फांसीवादी दौर है, ये जो पिछले सारे दौर है जिसमें महिलाओं के ऊपर अटैक किया गया, ये जो दौर है फांसीवाद का जो दौर है, ये दौर ऐसा दौर है कि हम सबको मतलब महिलाओं को भी बहुत सारे लोगों के साथ इस फांसीवादी तंत्र को खड़ा, मतलब पितृसत्ता के खिलाफ हमारी लड़ाई है। लेकिन ये हमें और भी मजबूर करता है, और भी हमें ढकेलता है कि इस फांसीवादी तंत्र को लाने वाले लोगों के खिलाफ भी हम और लोगों के साथ अपनी एकजुटता बनाए और उनके साथ खड़े हों। इंकलाब जिंदाबाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सकें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।